डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज अपन एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। वैसे हैवी मेटल से रिलेटेड जब बात आती है तो अपन बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट हैवी मेटल्स, दैट इज वो हो सकता आपका लैड हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मिथ हो सकता है, टिन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है। मींस लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। वैसे मैं यहां पे बता दूं आपको, सारे के सारे लिमिट टेस्ट में पहले से अपलोड कर चुका हूं, चाहे मैं क्लोराइड की बात करूं, चाहे यहाँ पे सल्फेट या आयरन, यहाँ पे आर्सेनिक और लैड, स्पेशली लैड का अलग से अपलोड कर चुके हैं। तो ये सारी चीज मैं बता दूं, और यहाँ पे केमिस्ट्री से जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे पहले से अपलोडेड हैं। ओके, तो आपने यदि वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको जब इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। ओके, यहाँ पे अब मैं बात करूं कि यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि डिस्कस इन डिटेल लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, तो आपको आंसर क्या लिखना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा इसके मेथड्स, बेसिकली फोर मेथड्स है। मेथड ए पहला, जो किसके लिए होता है, फॉर कलरलेस सब्सटेंस, फॉर कलरलेस सब्सटेंस के लिए होता है। मेथड बी होता है, दैट इज फॉर व्हाट, फॉर कलर्ड सब्सटेंस। ओके, और मेथड सी होता है, दैट इज ध्यान दीजिएगा, विच सब्सटेंस फॉर्म क्लियर एंड कलरलेस सॉल्यूशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और लास्ट में मेथड डी होता है, जो इनके अलावा जो बच गए उन सब्सटेंस के लिए। क्लियर, तो देखिएगा यहाँ पे मेथड ए और मेथड बी दोनों का हम एक साथ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम उसका प्रोसीजर देखेंगे। मेथड ए और बी का जो है, मेथड ए किसके लिए, कलरलेस, और मेथड बी है कलर्ड कंपाउंड के लिए। तो इन दोनों का प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल क्या है देखिएगा, बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हैवी मेटल इन एसिडिक मीडियम टू प्रोड्यूस मेटल सल्फाइड। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यदि हम यहाँ पे एज ए हैवी मेटल, यहाँ पे लेड की बात करें तो लेड मैंने लिखा, ये लेड हो गया, और यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। इस हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, यहाँ ध्यान रखिएगा एसिडिक मीडियम है, लेड सल्फाइड का एक प्रेसिपिटेट बनता है, जिसका प्रेसिपिटेट का मतलब जो एरो है नीचे की तरफ है, और हाइड्रोजन गैस होता है जो बाहर निकल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो ब्राउन कलर बनता है, ब्राउन कलर होता है किसका होता है, जनरली लेड सल्फाइड होता है ब्लैक कलर का होता है, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म होने की वजह से इसका कलर ब्राउन हो जाता है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पीएच मेंटेन करते हैं वो एसिडिक मीडियम पीएच करते हैं, लेकिन जनरली जो यूज होता है एसिटिक एसिड एंड अमोनिया दोनों जनरली यूज होता है टू मेंटेन पीएच। ओके, ये पीएच मेंटेन होता है लगभग 3-4 के पीएच के आसपास रहता है। ये पीएच क्यों करते हैं, ताकि जो प्रेसिपिटेट बना है वो प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में हो, यूनिफॉर्म में हो और कोलोइडल कंडीशन में हो, जिसका कलर क्या था, ब्राउन कलर था। क्लियर है, ये है इसका सिंपल सा कंसेप्ट, जिसमें पीबीएस या यू कहेंगे यहाँ पे जो मेटल बोल सकते हैं, इनकी जगह जो भी मेटल होगा वो उसका सल्फाइड बनेगा। क्लियर है, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं मेथड सी की, जो कौन से कंपाउंड्स के लिए है, ऐसे कंपाउंड जो एनएओएच में हम डालेंगे तो वो उसका सॉल्यूशन जो बनेगा क्लियर और कलरलेस बनेगा, क्लियर और कलरलेस बन जाएगा। जैसे क्लियर, तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल देखिएगा, बेस्ड अपॉन रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फाइड इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड था, H2S था, और यहाँ पे अब आ गया सोडियम सल्फाइड। ओके, एंड हेवी मेटल इन एल्कलाइन मीडियम, इधर था एसिडिक मीडियम, इधर एसिडिक मीडियम था, यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम है टू फॉर्म मेटल सल्फाइड। तो देखिएगा वही लेड है और सोडियम सल्फाइड आ गया, ये आ गया आपका सोडियम सल्फाइड। ओके, सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन हम लेड से करवा रहे हैं, तो लेड सल्फाइड बन रहा है अगेन वही, और सोडियम यहाँ पे फ्री हो रहा है। ओके,
कीप इन माइंड यहाँ पे OH मतलब एल्कलाइन मीडियम है, यहाँ पे कौन सा फॉर्म था, यहाँ पे एसिडिक मीडियम था, और वही जिसकी वजह से सॉल्ट ये बन रहा है, और इसका जो कलर आता है ब्राउन कलर आता है, ब्राउन कलर की इंटेंसिटी हम देखते हैं। ओके फिर इसके बाद में मेथड डी का प्रिंसिपल क्या है, देखिएगा इसका प्रिंसिपल है बेस्ड अपॉन रिएक्शन बिटवीन थायोएसिटामाइड एंड हैवी मेटल्स इन एसिडिक मीडियम। तो ध्यान देना इसका मतलब एसिटामाइड क्या होता है समझाता हूं, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ओके यहां से ये ध्यान दीजिए एसिटामाइड क्या होता है CH3 में, यहां पे थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं OCNH2, तो ये एमाइड हो गया जिसको हम एसिटामाइड बोलेंगे, एसिटामाइड हो गया। और यहां पे देखना इस ऑक्सीजन की जगह में यदि सल्फर लगा दो तो थायो हो जाता है, तो यही आपका मॉलिक्यूल है थायोएसिटामाइड। ओके तो ये हो गया थायोएसिटामाइड, इस थायोएसिटामाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं लेड से या जो हैवी मेटल है उनमें से कोई सा भी हो सकता है, पीएच जनरली वही लगभग 3-4 के पीएच के आसपास रहती है, मतलब मेथड ए और बी वाला कांसेप्ट चलेगा। और यहाँ पे जो कलर बनता है वो ब्राउन कलर बनता है जिसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर किसके साथ करते हैं शायद आपको पता होगा स्टैंडर्ड और यहाँ पे टेस्ट के साथ में, स्टैंडर्ड और टेस्ट दोनों का साथ रिएक्शन करवाते तब बनता है। अपन इसको प्रोसीजर में देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। इस तरह से मैंने आपको चारों मेथड्स के प्रिंसिपल समझा दिए, अब उसके बाद में हम देखेंगे इनका इंडिविजुअल प्रोसीजर कैसे होता है। ओके अब अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों, क्या कि मेथड ए का हम कैसे प्रोसीजर लर्न करेंगे या किस तरह से डिस्कस देखना। तो यहाँ पे हमारा आपको शायद पता होगा कि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं और दूसरा टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, ये तो शायद पता होगा लिमिट टेस्ट में। और लिमिट टेस्ट में देखिएगा स्टैंडर्ड में पहला पॉइंट यहाँ पे 1 ml लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेते हैं जो 20 ppm का होगा, उसको डाइल्यूट करते हैं अप टू 25 ml। ओके एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं सैंपल लेते हैं, सैंपल जिसका हमें लिमिट टेस्ट करना हैवी मेटल्स के लिए, और 25 ml वाटर में लेके डिसॉल्व कर लेते हैं। ओके साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चलेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा उसका पीएच हम मेंटेन करते हैं 3 से 4 बाय या विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड। सिमिलरली हम यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा कौन सा मेंटेन पीएच 3-4 बाय डाइल्यूट एसिटिक एसिड। सिमिलरली देखिएगा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रहेगा दोनों में सेम अप टू 35 ml विद वाटर, मतलब हम मेंटेन कर रहे दोनों को अप टू 35 विद वाटर। ओके ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फिर हम दोनों में ही अलग अलग देखिएगा फोर्थ पॉइंट एड 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S सॉल्यूशन। सिमिलरली अगेन यहाँ पे टेस्ट की बात कर रहे हैं एड 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, क्लियर। फिर उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है कौन सा फिफ्थ पॉइंट में देखिएगा अप टू 50 ml विद वाटर, मतलब हमने 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर दिया। फिर उसके सिमिलरली इधर भी देखिएगा अप टू 50 ml विद वाटर। फिर हम दोनों को हम क्या कर रहे हैं सिक्स्थ पॉइंट में क्या कर रहे हैं अलाउ 4 मिनट उसको स्टैंड रखा थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए, सिमिलरली इधर रखा। उसके बाद में देखिएगा लास्ट हम क्या कर रहे हैं कंपेयर बाय वॉल्यूम डाउनवर्ड ओवर द वाइट सरफेस का मतलब समझना, हमने सिंपल सा क्या करना है एक में स्टैंडर्ड लेना है और एक में टेस्ट लेना है, स्टैंडर्ड में हमें लेड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है और इधर सैंपल लेना है, उसके बाद में हमें 25 ml तक डाइल्यूट करके उसको पीएच मेंटेन कर देना, पीएच मेंटेन करके 35 ml तक वाटर में मिक्स करना है और 10 ml H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का सॉल्यूशन डालना दोनों में अलग अलग, और उसके बाद में 50 ml कंप्लीट करके उसको थोड़ी देर के लिए रखना है और उसको हमें ऊपर से नीचे की तरफ देखना व्हाइट बैकग्राउंड के लिए, जिसका कलर ज्यादा होगा हम उसे देख लेंगे, यदि स्टैंडर्ड से कलर ज्यादा होगा हमारा टेस्ट का तो हमारा सैंपल फेल हो गया, यदि स्टैंडर्ड से टेस्ट का कलर कम हुआ इसका मतलब हैवी मेटल्स का अमाउंट कम है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा हमारा सैंपल पास हो गया। यह है हमारा प्रोसीजर किसका मेथड ए का, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके
नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे मेथड बी का। मेथड बी का प्रोसीजर देखिएगा। मेथड बी शायद आपको पता था कौन सा, जैसे अपन डिस्कस कर चुके कि मेथड बी कलर्ड सब्सटेंस के लिए है। कलर्ड सब्सटेंस है तो हमें उसको कलरलेस में कन्वर्ट करना है। हमें किसका लिमिट टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, शायद आपको पता होगा लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो ध्यान रहे, हम जो कलर है या जो भी बाकी अदर मेटीरियल है हम उसको रिमूव करना चाहेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन पढ़ेंगे। सैंपल प्रिपरेशन किसकी बात करेंगे, जो जिस सैंपल का हमें, मतलब यहाँ पे टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसका हमें टेस्ट करना है हम उसका सैंपल प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद में हम उस पे लिमिट टेस्ट पे चलेंगे। तो देखिएगा सैंपल प्रिपरेशन हम किसमें करते हैं, ये एक क्रूसिबल है, क्रूसिबल है, उस क्रूसिबल में प्रोसीजर करते हैं हम। इसमें सबसे पहले सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के उसके बाद में कंसंट्रेट एस्टोसोफोर इतना डालते हैं कि वो गीला हो जाए, वेट, वेट का मतलब गीला हो गया। जैसे गीला हुआ उसको इग्नाइट करते हैं एट लो टेम्परेचर अंटिल चार्ड। चार्ड का मतलब वो जब तक जल जाए पूरा कंप्लीटली तब तक हम उसको गर्म करते रहते हैं, ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, उसमें 2 ml HNO3 एंड 5 drops एस्टोसोफोर दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, डाल के हम उसको हीट करते हैं अंटिल व्हाइट फ्यूम्स, जब तक उसमें फ्यूम्स आती रहेगी तब तक हम उसको गर्म कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में जैसा यह प्रोसेस हो गया, इसी क्रूसिबल को हम आगे लेके चलते हैं, इसको इग्नाइट करते हैं मेफल फर्नेस एट 500 to 600 टिल कार्बन इज कंप्लीटली बर्न ऑफ। मतलब जो इस क्रूसिबल को हमने मफल फर्नेस में रखा और उसको इग्नाइट किया 500 से 600 डिग्री टेम्परेचर पे, और जब तक गर्म किया जब तक यहाँ इसका पूरा का पूरा कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं हो जाता। जैसे बर्न होता है हम उसको निकालते हैं, उसको कूल करते हैं, कूल करने के बाद में 5 ml HCl डालते हैं, अगेन दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड वन, और उसके बाद हम वार्म ऑन वाटर बाथ फॉर 15 मिनट टिल ड्राइनेस। मतलब उसको हम जब तक गर्म करते हैं, कीप इन माइंड यहाँ पे वाटर बाथ पे ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, और हम उसको ड्राइनेस मतलब पूरा का पूरा इवेपोरेट हो करना है हमें अपन को। फिर उसके बाद में 1 drop HCl डाल के 10 ml वाटर एंड अमोनिया सोल्यूशन डालना है टू मेक एल्कलाइन। मेक एल्कलाइन का मतलब एल्कलाइन हमें उसको कंडीशन मेंटेन करनी है। ध्यान रहे यहाँ पे एल्कलाइन कैसे करेंगे, हम लिटमस पेपर से फाइंड आउट कर लेंगे कि एल्कलाइन हुआ कि नहीं हुआ, उतना ही हमें अमोनिया डालना है, क्लियर। फिर उसके बाद में डाइल्यूट अप टू 25 ml विद वाटर, मतलब वाटर से हम 25 ml तक उसको डाइल्यूट कर लेंगे। फिर उसके बाद में इस कंटेन करते हैं 3 to 4 विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो ध्यान रहे एसिटिक एसिड हमने यहाँ पे डाल दिया है और उसका पीएच 3 से 4 के बीच में हमने मेंटेन कर लिया है। अब अपन बात करते हैं, वापस से आ जाओ, लिमिट टेस्ट की बात कर रहे हैं, और लिमिट टेस्ट का मतलब नेजल सिलेंडर है। हमें एक नेजल सिलेंडर इसके लिए लेना है टेस्ट के लिए, और दूसरा नेजल सिलेंडर आपको लेना है स्टैंडर्ड के लिए, और एक पे हमें एस लिखना है, दूसरे पे हमें टी लिखना है, ओके। तो अब देखिएगा, मैं पहले इसी का प्रोसेस बता देता हूं। यहां पे इस जो ये सैंपल था, ये जो सैंपल था यहां पे ध्यान देना, यहां पे हमारा जो सैंपल था कितना ml था, 25 ml था पहली चीज, और उसके बाद में इसका जो पीएच था वो हमारे 3 से 4 के बीच में था। तो इसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, वॉश एंड वॉश करते हैं क्रूसिबल, कौन सी क्रूसिबल, इसी में जो प्रोसेस चल रहा था, विद वाटर, वाटर इनटू नेजल सिलेंडर एंड अप टू 35 ml विद वाटर। तो देखिएगा इसी में हम फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर करके मतलब इस प्रोसेस से अब हम यहाँ पे हमारे नेजल सिलेंडर के प्रोसेस वाले में आ गए, और 35 ml तक हमने उसको वाटर के साथ मेंटेन कर लिया। एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आ जाओ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको दोनों बनाने पड़ते हैं लिमिट टेस्ट में। तो इसमें क्या करेंगे, 1 ml पहला स्टेप किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के लिए 1 ml लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे जो 20 ppm का होगा, उसको क्या करेंगे 25 ml तक वाटर से वॉल्यूम करेंगे, और उसके बाद मेंटेन करेंगे पीएच 3 to 4 पीएच विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड जैसा अपन ने उधर किया था, और उसके बाद में
फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप जो 30 अप टू 35 ml विद वाटर, ये वाला प्रोसेस टेस्ट के लिए भी हो चुका और ये वाला प्रोसेस स्टैंडर्ड के लिए भी हो चुका। ओके, अब हमारा थर्ड स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप देखिएगा, ऐड 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, सिमिलरली इधर भी रहेगा ऐड 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में देखिएगा फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, ऐड अप टू 50 ml विद वाटर, सिमिलरली यहां पर भी रहेगा अप टू 50 ml विद वाटर। फिर उसके बाद में लास्ट में फिफ्थ जो स्टेप होगा, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, यही सेम रहेगा इस पे, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। उसके बाद में हम लास्ट में जब कंप्लीट प्रोसेस हो गया तो देखिएगा कंपेयर बाय व्यूइंग डाउनवर्ड ओवर द वाइट सरफेस। तो ध्यान दीजिए, दोनों हम क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे दोनों नेजल सिलेंडर को, एक को कौन सा स्टैंडर्ड वाला है, दूसरा टेस्ट का है, और उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे और व्हाइट बैकग्राउंड होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सारी प्रोसेस दोबारा याद करवाता हूँ, देखिएगा। हम ये पूरा प्रोसेस हमारा टेस्ट सैंपल के लिए है, टेस्ट सैंपल में हम इस प्रोसेस में अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 और HCl से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसको जला रहे हैं और उसको गर्म कर रहे हैं, एल्कलाइन मीडियम कर रहे हैं, और लास्ट में हम उसको अप टू 25 ml लेके उसका pH 3 से 4 के बीच में एसिटिक एसिड से मेंटेन कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम दोनों प्रोसेस में लेके आ जाएंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेंगे और 25 ml तक करके उसका pH मेंटेन करके 35 ml तक ले लेंगे, इधर भी 35 ml तक हमने कर दिया। लास्ट में फिर उसके बाद में 10 ml H2S सॉल्यूशन, सिमिलरली 10 ml H2S सॉल्यूशन वाला हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, उसके बाद में हमने क्या कर दिया 50 ml तक वाटर, सिमिलरली 50 ml तक वाटर, लास्ट में हमने थोड़ी देर के लिए रखा, जो रिएक्शन होनी थी किसके बीच में, जो मेटल था जिसका अपन ने एग्जांपल लिया था लेड के साथ में रिएक्शन हुआ किसका, इस हाइड्रोजन सल्फेट का, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद में हमने 5 मिनट बाद में उसका कंपैरिजन कर लिया। इस तरह से मेथड हमारा बी कंप्लीट होता है। यदि आपने यहां पर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एग्जाम में इसको प्रिपेयर करने का मौका मिले। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे मेथड सी और मेथड डी की। तो मेथड सी देखिएगा, मेथड सी का हम प्रोसीजर कर रहे हैं प्रिंसिपल और किसके लिए होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सिमिलरली मेथड डी का प्रोसीजर पढ़ने वाले, तो देखिएगा हमारे पास जैसा हमारे पास है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन में हम कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग ऑफ नेजल सिलेंडर। इसका प्रोसीजर क्या होता है देखिएगा, पहला स्टेप इसका 1 ml लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जो 20 ppm का है। एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, इधर सैंपल लेते हैं 25 ml वाटर में और उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। इस तरह से उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम दूसरा स्टेप करते हैं, ऐड 5 ml डाइल्यूट एनिवल सॉल्यूशन। शायद आपको पता होगा कि हमारा थर्ड मेथड एल्कलाइन मीडियम में हो रहा था, तो ये हो गया एल्कलाइन मीडियम जिसमें कौन सा, इधर टेस्ट में क्या कर रहे हैं 5 ml डाइल्यूट एनिओस सॉल्यूशन, मतलब एनिओस डाल रहे हैं, क्लियर। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप रहेगा क्या, अप टू 50 ml विद वाटर, 50 ml तक हमने क्या कर दिया वाटर ऐड कर दिया, सिमिलरली इधर हमने टेस्ट में भी 50 ml वाटर ऐड कर दिया। ये हमारा नेजल सिलेंडर है जिसमें हमने ये प्रोसीजर कर रहे हैं, सिमिलरली इधर भी हमारा ये नेजल सिलेंडर है जिसमें हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम S लिखते हैं, इधर हम इसको T लिखते हैं, ओके। अब ये हो गया, उसके बाद में फोर्थ स्टेप क्या रह रहा है इसमें, 5 ड्रॉप सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे, सिमिलरली इधर हमारे टेस्ट में क्या कर रहे हैं 5 ड्रॉप ऑफ सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं, ओके। ये जैसे ऐड हुआ उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, 6th स्टेप में मिक्स एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, सिमिलरली यहां पे इधर भी यही सेम प्रोसीजर करेंगे, मिक्स एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। फ्रेंड्स, हम मिक्स करने के लिए जनरली ग्लास रोड लेते हैं, तो दोनों
नेजनल सिलेंडर में अलग अलग ग्लास रोड होनी चाहिए, एक ही ग्लास रोड से हम दोनों को मिक्स नहीं करते, नहीं तो कॉन्टामिनेशन होगा, हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो परफेक्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद में 5 मिनट बाद में हम क्या करेंगे इसको देखिएगा, कंपेयर कलर इंटेंसिटी बाय व्यूइंग डाउनवर्ड ओवर व्हाइट सरफेस। वही सेम प्रोसीजर जो अभी ए और बी मेथड में किया था, दोनों को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे व्हाइट सरफेस पे, तो कलर इंटेंसिटी में पता लग जाएगी। इस तरह से हमारा मेथड सी का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, सैंपल लेके 5 ml NaOH डालना है और उसको 50 ml तक वाटर मिक्सर करना है और उसमें 5 drops सोडियम सल्फेट डालना है। सेम प्रोसीजर सैंपल की जगह हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा मेथड सी। सिमिलरली मेथड डी पे आ जाओ, यही हम स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, ये स्टैंडर्ड है और जैसा हमने ऊपर लिखा है वैसा ही इधर हमारा टेस्ट है ये वाला पार्ट। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे 2 ml लेड सॉल्यूशन लेते हैं स्टैंडर्ड जो 20 ppm का होगा और उसको 25 ml तक डाइल्यूट कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे रहेगा सैंपल, यही इसमें टेस्ट में कर रहे हैं, जिसको टेस्ट सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के उसमें 25 ml वाटर में डिजोल्व कर लेंगे। ओके, डिजोल्व कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं दूसरा स्टेप, ये तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप देखिएगा हम यहाँ पे स्टैंडर्ड और टेस्ट के लिए दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस करते हैं। पीएच इसका मेंटेन करते हैं 3 से 4 विद डाइल्यूट किसके साथ, एसिटिक एसिड एंड अमोनिया दोनों को डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं। सिमिलरली हमारा दूसरा स्टेप इधर रहेगा, वही पीएच एडजस्ट कर रहे हैं डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड अमोनिया सॉल्यूशन। ओके, और फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप रहेगा क्या, अप टू 40 ml विद वाटर, मतलब हमने 40 ml तक वाटर मेंटेन करना है और इधर भी सेम 40 ml विद वाटर करेंगे। क्लियर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट रहेगा एड 2 ml एसीटेट बफर जिसका पीएच है 3.5, जो ब्रैकेट में लिखा है वो उसका पीएच वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे सेम रहेगा एड 2 ml एसीटेट बफर वही 3.5 पीएच वाला। ओके, फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट रहेगा, फोर्थ की बाद में फिफ्थ पॉइंट रहेगा एड 1.2 ml थायोएसिटामाइड सॉल्यूशन। याद कीजिएगा मैंने थायोएसिटामाइड का प्रिंसिपल बताया था मेथड डी के लिए, तो यहाँ पे 1.2 ml सिमिलरली हमें टेस्ट में भी सेम प्रोसीजर करना है, 1.2 ml थायोएसिटामाइड सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। क्लियर, फिर उसके बाद में लास्ट सिक्स पॉइंट रहेगा हमारा इसका 50 ml तक अप टू विद वाटर करेंगे और उसको अलाउ टू स्टैंड करेंगे 5 मिनट। सेम प्रोसीजर अप्लाई यहाँ पे होगा टेस्ट में, अप टू 50 ml विद वाटर एंड अलाउ फॉर 5 मिनट्स। ओके, फिर अब जैसे ही प्रोसेस होगा 5 मिनट के बाद में लास्ट हमारा स्टेप हो जाएगा कंपेयर कलर इंटेंसिटी बाय व्यूइंग डाउनवर्ड ओवर द व्हाइट सरफेस। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, हम यहाँ पे दोनों की कलर इंटेंसिटी मेजर करेंगे, जिसका ज्यादा होगा मतलब उसमें इंप्योरिटी ज्यादा है, यदि स्टैंडर्ड का ज्यादा है और हमारा टेस्ट में कम है इसका मतलब टेस्ट में इंप्योरिटी कम है, इसका मतलब हमारा सैंपल पास हो जाता है। यदि टेस्ट में कलर इंटेंसिटी ज्यादा है स्टैंडर्ड में कम रह गया इसका मतलब उसमें इंप्योरिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया इसका मतलब हमारा सैंपल फेल हो गया। इस तरह से हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। और यदि आपने यहाँ पे इसका आपने स्क्रीन शॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपको एग्जाम में इसका इसको क्या करेगा बहुत रिवाइज करके जाएगा, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्वेश्चन बनता है इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो शायद आपको समझ में आ गया हो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो जो चीज मैंने बताई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा एस से लिख दीजिएगा, आपके मेरा विश्वास है पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, यदि आपने यहाँ पे दूसरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे दूसरे सब्जेक्ट के या इस लिमिट टेस्ट से रिलेटेड दूसरे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। और यदि चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने फ्रेंड सर्किल सीनियर जूनियर जितना हो सकता शेयर करें ताकि उन सबको भी पढ़ने का मौका मिले। यहीं पे मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू वंस अगेन।